प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पूरे इस सीजन के अंदर सभापति महोदय, बारिश से बहुत बहुत बुरी हालात है पूरे जयपुर शहर के अंदर और जगह जगह खड्डे बन चुके हैं, और ख़ास तौर से जो जयपुर शहर के आउटस्कर्ट्स में जो हिली एरियाज में कच्ची बस्तियां हैं, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है कि आज़ाद नगर कच्ची बस्ती है, वहाँ एक दीवार फॉरेस्ट की और स्कूल की दीवार गिर गई, उससे बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत सारे व्हीकल क्षतिग्रस्त हो गए। न कोई कलेक्टर की तरफ से कोई कंपनसेशन है, न कोई सर्वे है और न कोई सरकार ने कोई संज्ञान लिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मामले जो जयपुर शहर के अंदर अतिवृष्टि की वजह से उत्पन्न हो गए हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई करें, जहाँ आम जन का नुकसान हुआ है उनको फायदा देने की कोशिश करें, उनको मुआवजा मिले, कंपनसेशन मिले। और दूसरी बात ये अध्यक्ष महोदय कि पूरे शहर के अंदर जब ये पानी बह कर के आता है वो गंदे पानी में तब्दील हो जाता है। आज बहुत सी जगह, कल मेरी विधानसभा के अंदर आदर्श नगर में गंदा पानी पीने के पानी के साथ मिल गया, नालों का पानी, और उससे उत्पन्न स्थिति ये है। धीरे बोलिए, सबके सबके सुनने की बात है ये। माननीय, उत्पन्न स्थिति ये है माननीय श्रीचंद जी, अध्यक्ष महोदय, उससे उत्पन्न स्थिति ये है। खास तौर से पीएचईडी मंत्री को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गंदा पानी पीने के पानी के साथ आ रहा है। एसएमएस अस्पताल में बहुत सारे मरीज भर्ती हैं, जब लू का प्रकोप चल रहा था तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे आदमी लू से मर गए, गंदे पानी से, बीमारी से आदमी नहीं मरे। इस बात का ख्याल और संज्ञान ले लिया जाए और आम आदमी को फायदा दिया जाए। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, उनका सर्वे करा करके अभी से उनको ठीक किया जाए, कोई भी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बाढ़ आ जाए, ज्यादा अतिवृष्टि हो जाए, उसके पुख्ता इंतजाम किया जाए। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि तमाम पैरामीटर्स पहले ही संज्ञान में ले लिए जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और जहां नुकसान हुआ है उनको संबंधित डिपार्टमेंट को मार्गदर्शन देके कंपनसेशन दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जयपुर के साथ साथ सभी शहरों पर इस वक्त संज्ञान लिया जाए।